अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से खैरियत से हूँ। और ये हमारा, तो ये अब देखें माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है और अब्दुल्ला इसको टेम कर रहा है। तो अब्दुल्ला के साथ तो काफ़ी अटैच है, ये मैंने सीटी बजाई तो ये मेरे पीछे ही बढ़ गया। और ये देखें अब्दुल्ला के साथ तो काफ़ी अटैच हो गया है, वो तो सीटी बजाते हैं और फ़ौरन उड़ के उनके पास उनके हाथ पर चला जाता है। तो काफ़ी माशाल्लाह से क्यूट है, बहुत प्यारा है। तो ये देखिए ये कैसे मस्ती कर रहा है। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपके पास एक नई रेसिपी के साथ, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक बार ट्राई करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि बार बार आप खाएंगे, ये बहुत मज़े की होती है। और अपने घर वालों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, ये सबको बहुत पसंद आएगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी हरे धनिए की। तो हरा धनिया है तकरीबन 2 से 3-4 टेबलस्पून जो है ये हरा धनिया है। और इसमें चंद लहसुन के जवे हैं और इसमें 2 लाल मिर्च थी और 2 हरी मिर्च थी इसमें, तो वो मैंने कट करके रख ली हैं। और 2 टेबलस्पून जो है इसमें ज़ीरा लिया है मैंने सफ़ेद वाला, और 1 अदद कच्चा आम है जो मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसका छिलका उतार के इसको कट करके रख लिया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको ज़रूर खिलाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस रेसिपी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी और आप हमेशा मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलें ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा तैयार हो गई है चटनी, और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।